तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से ये खबर है, ट्रॉमा सेंटर मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। बाराबंकी से आए घायलों का हालचाल जाना। मंत्री ने मदद का परिजनों को आश्वासन भी दिया है। 8 मरीज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसमें 1 बच्ची और 1 बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ था और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अस्पताल पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर, जहां पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद घायलों का हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बाराबंकी से ये तस्वीरें हैं। मंत्री ने परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, 8 मरीज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है और 1 बच्ची और 1 बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाराबंकी हादसे में घायल मरीजों का लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है, जिसका जायजा लेने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। संवाददाता फिरोज आलम ने मंत्री जितिन प्रसाद से खास बातचीत की, सुनिए। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आकर के घायलों का हालचाल जाना है, मंत्री से बात कर लेते हैं। सर, आप घायलों से मिले हैं, क्या कुछ यही देखने आए? बड़ा हादसा हुआ है बाराबंकी में, मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं और मैं वहाँ का प्रभारी होने के नाते जिला प्रशासन से भी कहा है, राहत कार्य चल रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनको यहाँ KGMC भेजा गया है और डॉक्टरों से टीम से मैंने कहा है कि खतरे से बाहर लग रहे हैं लोग और इलाज चल रहा है। धन्यवाद। रेस्क्यू सर अभी चल रहा है, 1 लोगों की मां, 2 लोगों के दबे हुए, हाँ आशंका है, उस पर बात चल रही है। तो आपने देखा कि खुद जो है जितिन प्रसाद यहाँ पर ट्रामा सेंटर में पहुंचे, मरीजों का हालचाल रहा, यहाँ डॉक्टरों से मिल करके उन्होंने लोगों से इन सबका बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए बोला है और घायलों के परिजनों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है, उनकी हर तरह से यहाँ पर मदद की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।